No, voy a decirle que tiene seguro. ¡Don Santi! ¡Don Santi! ¡Don Santi! सरकार ध्यान नहीं देती है कौन सा बताओ बताओ माता बताओ कौन सा अभियान एक और चाहिए जो बताएगा उसे नाम देगा भाई लोग बताएंगे एक अभियान है उसका नाम है बेटे बचाओ क्या क्या नाम है उसका बेटे बचाओ आपने देखा होगा सरकार बेटी बचाने में ताकत दे रही है बेटों को फंसाने में ताकत दे रही है तो आप चाहते हो बेटे बचाने के लिए अपने घरों में चाहते हो आता है सभी टीचर वाले भाई लोग चाहते हैं कि आज के बाद हमें बेटा बचाओ अभियान चलाना है वो कैसे चलेगा बेटा कैसे बचाना है आज हमारे घरों में हमारे भाई बुजुर्ग सभी नशे में फंस गए कोई बीड़ी में कोई गुटखा में कोई तम्बाकू में कोई शराब में कोई अफीम में कोई चरस में कोई गांजा में कोई भांग में तो जिसके घर में बेटा नशा करेगा वो घर कभी नहीं बचेगा अरे हाँ ना बोलो तो आपके घर में जो बच्चा नशा करता है या नहीं हाथ उठा करके घर में कोई भी नशा नहीं करता बिल्कुल बीड़ी का तम्बाकू का गुटखा का शराब का अफीम का चरस का गांजा का भांग का देखो ये तो नशा करने का आपको दिखाते चित्र पहले मैं आपको जरा जान समझ लूंगा आपको ध्यान रखना है कि हमारे घर में क्या चीज है और क्या नहीं और क्या करना है हमको ये है तीन नशे है पहला नशा है तम्बाकू का बीड़ी का चिलम का हुक्का का इससे फेफड़े गल जाते हैं दूसरा नशा है शराब का इससे आंतें गल जाती हैं तीसरा है गोली इंजेक्शन हेरोइन इसमें ये तीन नशे हमारे घर में आ गए यानी आ गए कहीं ना कहीं हैं हैं अब एक और नशा है एक नशा है न खाया जाता है न पिया जाता है कौन बताएगा वो नशा कौन सा है कौन बताएगा एक नशा है ये क्या है मोबाइल की नशा क्या है सबके घर में मोबाइल है सबकी जेब में है ये बम है ध्यान रखना जो यहाँ लगा के सोएगा उसका हाथ कमजोर हो जाएगा और इस नाइन लगा के सोएगा उसका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा और ज्यादा तेज कर दीजिएगा तो आधा पागल हो जाएगा तो ये भी एक नशा है ध्यान रखना सभी ये हम आपको दिखा रहे हैं आने वाले समय में सारे गांव में शहरों में दिखाएंगे आने वाले समय में इससे हमें मुक्त होना है और क्या है ये तो नशा रहा कैसा अब ये बताओ आप लोग कोई नशा करते हो या नहीं कोई नशा नहीं करता सब नशा करके आए हो भगवान भोलेनाथ का नशा है मुरली सुनने का नशा है बाबा से प्यार करने का नशा है हैं ताली दो बजाओ फिर ताली बजाओ फिर ये भी एक नशा है अब नशा कहां से आता है कैसे आता है जानते सभी देखो नशा क्या होता है
कोई खरीदना नहीं पड़ता, शुरुआत होती है। पहले ऐसा क्या होता है, मान सान में गाँव में प्रधान जी के लड़के की शादी हो और जब तक पैक न मिले तब तक कोई शादी नहीं, दूसरा सेकेंड न मिले तो कोई दोस्ती नहीं, तीसरा गुटखा न मिले तो कोई दोस्ती नहीं। तो ये क्या है, ये नशा हमारे घर में मान सान के चक्कर में हम करते हैं। दूसरा है घर में कोई बात आ गई नशा करता है। तीसरा कोई बात गुस्सा हुए पढ़ाई में पास नहीं हुए तो व्यक्ति नशा करता है। चौथा बुरे शहर में चला जाता है। पांचवा बाजार में काम में सब जगह मिल जाता है। बीड़ी सिगरेट और तंबाकू ये जीवन के तीन धातु, क्या है, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू ये जीवन के तीन धातु। और क्या है, जब कोई दुख होता है बुरी बातें आ जाती हैं तो नशा करते हैं। पुरुष नशा नहीं करते, आज बजे बजे शहर में माता बैठ गया भाई नहीं बैठा सभी माता है बैठ जाइए, आपको बुलाया बुलाया नहीं गया, आपको बैठ जाओ साहब, देखो सब बैठो, सब बैठो बाबा के बच्चे बैठो, सब लोग बैठो बाबा के बच्चे सब। ऐसे तभी होता है, ऐसे नहीं माता जी, गाँव वाला तो उसे होता है भीड़ में, अब तो बाबा के बच्चे और बच्चे होते हैं ध्यान से सही बात है। दूसरा घर में लेट आएगा, तीसरा सुबह उठेगा लेट, चौथा पैसा ज्यादा मांगेगा और तुम्हारे बेटे की सूरत ऐसी हो जाएगी और उसकी आदत ऐसी हो जाएगी। हम आपको जगा रहे ध्यान रखना, फिर मत करना बताया नहीं, ठीक है, इसे बताओ और ध्यान से देखो सब। कौन सा नशा आपको मालूम है, जो लोग घर में तंबाकू खाते हैं बीड़ी पीते हैं उसमें क्या क्या पड़ता है, देखो ध्यान से। बड़े शहरों में फैक्ट्रियां होती हैं जहर बनाने की, तो उसमें पड़ता है कॉकरेच, कॉकरेच मारने वाला जहर पड़ता है। दूसरा निकोटिन होता है वो तंबाकू में मिलता है, बीड़ी में मिलता है, सिगरेट में मिलता है और इसको तेजाब में डाला जाता है, घरों में डालने वाला। चौथा घर में लैट्रिन बाथरूम साफ करते हैं, टाइल साफ करते हैं, वो भी डाला जाता है। जो व्यक्ति एक सिगरेट पीता है उसका एक मिनट कट जाती है जीने से, और दस सिगरेट पीता है दस मिनट चली जाती है, तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। आज पूरे भारत के अंदर 2500 की नया लोग कैंसर से मरते हैं। दूसरा जो सिगरेट पीते हैं उनको कैंसर कम होता है और जो लोग नहीं पीते उनको यहाँ कैंसर होता है। इस सरकार क्या कर रही है, हाल में आपको क्या कर रही है, कैंसर को मिटाने के लिए हॉस्पिटल बना रही है और कैंसर को बनाने की दवाइयां हमें दे रही है। और क्या है, अब देख लो माता ध्यान से देखो इधर सभी, देखो जो गुटखा खाएगा तंबाकू खाएगा माता को नशा करती है, यहाँ पे जो माता मंजन का तंबाकू करती है मंजन करती है तंबाकू का, उनको कैंसर हो जाएगा ध्यान रखना। आप अगर उसे चली जाएगी आपको दवा की बीमारी हो जाएगी। तो आज के बाद जो माता तंबाकू का मंजन करते हैं वो आज के बाद बंद करते हैं, तो सुपारी खाते वो बंद करते हैं, उनको होठों में गाल में कैंसर होगा, होठों में होगा, जीभ में होगा, नली में होगा, फैक्ट्री में खड़ा हो जाए। और एक और बात है, ध्यान से देखो बात है, फिर मैं क्या दिखाया है, जो सिगरेट पीते हैं उसका असर माता के घर में पलने वाले बच्चे पर भी आता है। ये ध्यान रखना, आप अभी सरकार हो कि हमारे घर में कोई नशा नहीं करता, कोई माता नहीं
जिनके घर में कोई बीड़ी नहीं पीता हो, गुटखा नहीं खाता हो, शराब नहीं पीता हो, सब जगह खाते पीते बस आज आप भूल गए कल ही नहीं। अब देखो और क्या होता है, बैठे बैठो मैं तरह चल लाइन में आके सबको बुलाइए बैठ सकते। अब देख लो जो शराब पीते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, आगे पागल हो जाते हैं और फिर समय पे दारू मांगते हैं, तीसरा घर में झगड़ा करते हैं, घर में मारते हैं, चौथा है गाड़ी चलाते से एक्सीडेंट होता है, पांचवा है कोई दुर्घटना करता है, ये शराब खराब है, इसको भी आपको नहीं करना है। हम आपको बताएंगे आप अपने घर से कैसे छुड़ा सकते हैं, जो सुनना चाहेंगे आपको बताएंगे, नहीं सुनना चाहेंगे आपके घर में आपके गाँव भी नहीं आएंगे, आप बाबा के बच्चे नहीं जाएंगे, स्वस्थ नहीं आएंगे। आप लोगों को करना है अच्छा जीवन बनाना है, हमें क्या करना है, अच्छे अच्छे गीत सुने, बाबा के बांसुरी बजानी है, किरण बजाना है, गीत गाना है, तबला बजाना है, डांस करना है, व्यायाम करना है, पैदल चलना है, टेनिस खेलना है, क्रिकेट खेलना है, अच्छी किताब पढ़नी है, भगवान को याद करना है, अच्छे विचार साधन करना है, नशा करने से हमें दूर रहना है और रखना है। और क्या करना है, उसका बिना पैसे छूटेगा, सिगरेट बिना पैसे छूटेंगे, साइंस से बिना पैसे छूटेंगे, आज आपको बता रहे जब तक आप सुनोगे नहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो क्या करना है, ये देखिए अपने घर में अच्छी किताब रखनी है, बच्चे पढ़े, दूसरा अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार करना है, तीसरा उनकी चेकिंग करनी है, जिम बैठे बच्चा कैसे पढ़ता है नहीं पढ़ता, चौथा अपने बच्चों के सामने कोई नशा न करें, अपने बच्चों को भी सेफ रखेंगे, आने वाला कल का सफल होगा उसमें हमारे बच्चे हैं। आप सभी सुना समझ में आया, ये बोल ओ शांति, ओ शांति, ओ शांति, तो जिनके बच्चे विषय करते हो वो हमसे आके मिले तब उनको बताएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, माता जी लाइन से आएंगे।